हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एसडीएम ऑफिस में इंटरव्यू 24 को। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि कहाँ पर आपका एसडीएम ऑफिस में इंटरव्यू होगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल उन्हीं अभ्यर्थी के लिए है जो कि तहसील करसो के स्थायी निवासी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सरकार के दिशा निर्देशानुसार बाल विकास परियोजना करसोग द्वारा रोजगार का द्वार खोलते हुए विकास खंड करसोग की 5 पंचायतों में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद तथा 3 पंचायतों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद भरने को जो है अधिसूचना जारी की है। क्लियर, 5 पंचायतों में जो है आंगनवाड़ी सहायिका और 3 पंचायतों में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो है रिक्त पद भरे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस बारे में जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी जय गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका के कुछ पद जो है रिक्त होने के चलते आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनका सीधा साक्षात्कार 27 दिसंबर को जो है उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालयों में जो है आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा? उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय करसोग में। क्लियर, जबकि वॉक इन इंटरव्यू के बैनर तले साक्षात्कार के लिए कोई अलग से किसी भी उम्मीदवार को सूचना नहीं भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत समाहू के आंगनबाड़ी केंद्र माहू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रिक्त पद भरा जाना है। ग्राम पंचायत कंडी सुपनोट के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत भंतल में आंगनबाड़ी केंद्र नेहरा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रिक्त पद भरा जाना है। तो फ्रेंड्स, बाल विकास परियोजना अधिकारी जय गुप्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत सोरता के आंगनवाड़ी केंद्र सोरता में जो है आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम पंचायत तत्तापानी के केंद्र रंडोल में सहायिका, ग्राम पंचायत सहज के आंगनवाड़ी केंद्र भंगीली में आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम पंचायत सोरता के आंगनवाड़ी केंद्र मंडीधार में जो आंगनवाड़ी सहायिका तथा ग्राम पंचायत के कलाशन के आंगनवाड़ी केंद्र कलाशन में जो आंगनवाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जिसके लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं, वह जो भी आवेदन मिलेंगे उन सभी का साक्षात्कार जो है 27 दिसंबर को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जिसके चलते जो है आवेदनकर्ता अपने आवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालय में समय पर पहुँचाएँ। ठीक है, आपको जो 24 दिसंबर से पहले पहले अपना जो है आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदनकर्ता की मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जमा 2 पास होना चाहिए। आवेदनकर्ता की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय जो है 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो है आंगनवाड़ी केंद्र के गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए। क्लियर, बाल विकास परियोजना अधिकारी जय गुप्ता ने कहा कि आवेदनकर्ता कभी भी कार्य दिवस में पहुंचकर बाल विकास परियोजना कार्यालय में जो है नियम तथा शर्तों को देख सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं तो आप इसमें जरूर अपना योगदान दें। तो फ्रेंड्स, ये केवल महिला उम्मीदवारों के लिए ये सूचना है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। और आप इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव एन ऑसम टाइम। बाय गाइज, टेक केयर।